हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दिवाली स्पेशल जैसे ब्लाउज़ की कटिंग, ये वीडियो देखने के बाद आपको हर साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग आपको आ जाएगी। जैसे बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि जब भी पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा और आप हर साइज़ का ब्लाउज़ जो है उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ कि कैसे कटिंग करनी है और कैसे करना है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे, आप मुझे नहीं लगता कि आपको कटिंग में कुछ प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ये सिला हुआ ब्लाउज़ लिया है। पूरे शोल्डर कितना लेना है, चेस्ट कितना लेना है, लंबाई में कितनी बढ़ानी है और चेस्ट में कितना बढ़ाना है, कटोरी कैसे निकालते हैं, ये पूरा मैं टिप्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये सिला हुआ ब्लाउज़ लिया है और यहाँ पर जैसे ये ब्लाउज़ के ऊपर मैं आपको पूरे ब्लाउज़ की कटिंग 28 से 48 तक आपको ब्लाउज़ की कटिंग आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये लंबाई ली है। अब लंबाई कैसे लेते हैं, मैं पूरे बेसिक भी मैं इसमें बताने वाली हूँ। ये देखिए, जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो पहले हमें लंबाई नापनी पड़ती है। तो लंबाई जो है हम आगे से नहीं लेते, क्योंकि आगे से ये टक्स पॉइंट रहता है, जितना भी हम इसको खींचते हैं तो लंबाई ज़्यादा निकलती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ब्लाउज़ का जो बैक साइड होता है वहाँ से आपको पहले लंबाई नापनी है। तो ये जो शोल्डर सिला हुआ है, यहाँ पे हमने जो जॉइन किया है शोल्डर, यहाँ से आपको इस तरह से हल्का सा खींचना है ब्लाउज़ को। ये देखिए, और यहाँ पर आपको पूरी लंबाई नापनी है। ये लंबाई आती है 13 इंच, 13 इंच हमारी लंबाई आती है ब्लाउज़ की पूरी लंबाई। अभी 28 साइज़ का ब्लाउज़ हो, 30 साइज़ का ब्लाउज़ हो, या 38 साइज़ का ब्लाउज़ हो, या 42 इंच का हो, या 48 इंच का हो, जितना भी आपका चेस्ट का साइज़ होगा उसके हिसाब से हम लंबाई जो है, जैसे लंबाई जो है तो यहाँ पे आपको लंबाई 12.5 से 14 या 15 इंच तक आप ले सकते हैं। और जितनी लंबाई होगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। जैसे 28 साइज़ का ब्लाउज़ लिया आपने नाप के लिए, उसकी लंबाई आपकी 13 इंच है तो उसमें 1 इंच प्लस करना है। 32 साइज़ का ब्लाउज़ लिया तो उसमें आपकी लंबाई 13.5 इंच है तो उसमें भी आपको 1 इंच प्लस करना है। यानी कि 44 इंच का लिया, उसमें आपकी लंबाई 14 इंच है तो उसमें आपको 15 इंच लेनी है। 48 साइज़ का लिया तो उसमें आपकी लंबाई 15 इंच है तो उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, यानी कि 16 इंच लेना है। कौन सा भी ब्लाउज़ हो, 28 से 48 तक कौन सा भी ब्लाउज़ हो, जितनी भी लंबाई होगी आपके ब्लाउज़ की उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। ये हुआ ब्लाउज़ का लंबाई का। उसके बाद ये जो नेक है, अब नेक कैसे नापते हैं, कोई कोई यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो यहाँ पे सीधा, जैसे 8.5 इंच हमारा नेक निकलता है, यहाँ पे सीधा लेते हैं। नहीं तो यहाँ से आप सेंटर निकाल के यहाँ पे इस तरह से लेते हैं तो यहाँ पे 0.5 इंच ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 9 इंच हो जाता है, क्योंकि हम क्रॉस में नापते हैं। यहाँ से लेंगे तो ये 8.5 इंच आता है। अब जितना गला आपका आता है, पहले जब भी कटिंग करोगे ब्लाउज़ की तो जितना आपका गला आता है उतना ही आपको रखना है, क्योंकि जब हम पाइपिंग बनाते हैं, ब्लाउज़ की पाइपिंग बनाते हैं, तो गले को नाप के फिर थोड़ी सी फिनिशिंग, क्योंकि ब्लाउज़ हम जॉइंट करते हैं, थोड़ी सी फिनिशिंग के साथ आपको गला को हल्का सा राउंड शेप देना पड़ता है, उसके बाद आपको पाइपिंग लगानी पड़ती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जितना आपका गला होगा उसमें थोड़ा सा कम भी लिया तो भी चलता है। सिलने के बाद जब हम पाइपिंग करते हैं, पाइपिंग करने से पहले आपको गला नाप के आपको कितना बड़ा चाहिए उतना आपको हल्का सा कट करके फिर राउंड शेप यानी कि फिनिशिंग दे के आपको इसमें पाइपिंग करनी है। आया समझ में? जैसे मैंने बैक साइड आपको क्लियर करके दी है, बैक साइड जितनी आपको लेनी है, कौन सा भी ब्लाउज़ हो उसमें आपको लंबाई जितनी होगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। और जैसे बैक साइड आप अलग निकालोगे तो जो हम अंदर के साइड में पट्टी लगाते हैं, अंदर ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है लेकिन दूसरा ब्लाउज जो होता है उसके अंदर के साइड में पट्टी लगाते हैं, तो ये पट्टी भी अलग लेंगे तो भी चलता है। जैसे उसमें एक्स्ट्रा लेंगे, कपड़े के हिसाब से आप एक्स्ट्रा उसमें ही ऐड करोगे तो भी चलता है, नहीं तो आपको लंबाई प्लस 1 इंच लेना है और अलग से पट्टी लगानी है। ये हुई लंबाई की बात। जैसे कौन सा भी ब्लाउज़ हो, ब्लाउज़ में लंबाई में आपको 1 इंच ही प्लस करना है। उसके बाद ये हुआ दूसरा आपका गले का। जितना आपका गला होगा उतना ही आपको कट करना है, हल्का सा थोड़ा कम करेंगे तो भी चलता है। पाइपिंग करने से पहले आपको गला चेक करना है और गला नाप के फिर आपको पाइपिंग लगानी है। ये हुई बैक साइड की बात।
अभी यहाँ पे हमारा ये फ्रंट साइड, अभी हमें क्या करना पड़ता है, चेस्ट का नाप लेना पड़ता है। ये आपको पता चले कि कितने चेस्ट का है, उसके हिसाब से हम आर्म होल, शोल्डर या जो भी होगा आपको इसमें, इसके हिसाब से आपको कटिंग करनी पड़ती है। तो पहले हमें चेस्ट का नाप लेते हैं। अभी चेस्ट का नाप कैसे लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये हुक जो है, हुक पहले हम लगाते हैं ब्लाउज़ को, ब्लाउज़ को हुक लगाने से पहले फिर वापस आपको चेक करना है क्या हो जाता है। जैसे जो सिलते हैं, कोई कोई उनकी अलग अलग सिलाई होती है, जो भी हर साइज़ के ब्लाउज़ सिलते हैं तो सबकी अलग अलग स्टिचिंग होती है। क्या हो जाता है, कोई कोई लोगों का क्या हो जाता है, बैक साइड जो है फ्रंट साइड में आ जाती है। जैसे ये सिलाई जो है यहाँ पे आपको दिखाई, आधा इंच ऊपर के साइड में दिखाई और बैक साइड जो है आगे के साइड में आ जाती है। कोई कोई का क्या हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे हमारी साइड में, एकदम साइड में हमारी फिटिंग आई है, तो साइड में ही फिटिंग आनी चाहिए। लेकिन जो अलग अलग सिलाई वाले होते हैं, जिनकी अलग अलग कटिंग होती है, इसलिए अलग अलग हिसाब से आपको कट करना है। लेकिन जो भी ब्लाउज आपका, आपके पास सिलने को आएगा या आपको नाप लेना है, तो आपको कैसे नाप लेना है, आपको ब्लाउज़ को इस तरह से रखना है, ब्लाउज़ के हुक जो है उसको अच्छे से लगाना है। ब्लाउज़ के हुक अच्छे से लगाने के बाद आपको क्या करना है, बैक साइड जो है आगे के साइड में आएगी तो भी आपको फ्रंट साइड में ही उसको काउंट करना है। ये देखिए अब हमारी ये जो स्टिचिंग है, ये हमारी साइड स्टिचिंग आती है, एकदम परफेक्ट आती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये आगे के साइड में भी नहीं आती और पीछे के साइड में भी नहीं जाती, ये साइड में ही हमारी सिलाई आती है। तो इसे क्या करना है, इस तरह से आपको इस तरह से रखना है। तो आपको क्या करना है, जैसे चेस्ट का नाप निकालोगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पूरा चेस्ट नापना है। ये देखिए 18 इंच हमारी चेस्ट का नाप आता है, यानी कि फ्रंट साइड जो है वो 18 इंच आती है, इसका डबल किया तो 36 इंच आती है, यानी कि 36 चेस्ट का ये ब्लाउज़ है। अभी 36 चेस्ट का ये ब्लाउज़ है तो हमें क्या करना है, उसका 1/4 हमें निकालना है। तो उसका 1/4 कितना निकलता है, 9 इंच। अभी यहाँ पे ये पूरा काउंट करके, जैसे जब भी आप निकालोगे, क्योंकि क्या हो जाता है, पहले तो आपको ये भी चेक करना है, पूरे चेस्ट का नाप भी निकालना है, फिर आपको जो 1/4 है वो निकालना है। क्योंकि क्या हो जाता है, जैसे बैक साइड आगे के साइड में आ जाती है तो हम फ्रंट साइड से यहाँ से सिलाई जो होती है वहाँ तक ही नापते हैं, तो ब्लाउज़ फिटिंग में नहीं आता, क्योंकि वो कम पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आधा इंच का और दूसरे साइड में आधा इंच का फ़र्क हो जाता है, आधा आधा इंच फ्रंट साइड में आता है और हम आधा इंच जो बैक साइड फ्रंट साइड में आती है वो छोड़ देते हैं, और यहाँ से जो फ्रंट साइड की जो सिलाई होती है वहाँ तक ही हम पकड़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, ब्लाउज़ की फिटिंग जो है वो नहीं आती और आपका ब्लाउज़ भी नहीं बैठता। तो इसको आपको ध्यान क्या रखना है, आपको पहले ये ब्लाउज़ के हुक जो है अच्छे से लगाना है, आपको अच्छे से ब्लाउज़ को इस तरह से रखना है, और ये जो है यहाँ पे आपको अच्छे से ब्लाउज़ का नाप लेना है, आपका कितना नाप निकलता है उसका डबल आपको करना है, यानी कि ये चेस्ट, पूरे चेस्ट का नाप निकलता है। अभी ये पूरे चेस्ट का नाप निकलता है तो हमें क्या करना है, तो ये 36 इंच चेस्ट का नाप निकला। अभी उसके बाद भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 9 इंच हमारा ये चेस्ट का नाप निकलता है। ये देखिए यहाँ पे हमारा 9 इंच इसका 1/4 निकलता है। अभी 9 इंच इसका 1/4 निकलता है, चेस्ट का नाप आया हमारा 9 इंच। अभी ये देखिए यहाँ पे हमारा ये 28 चेस्ट का हो, 30 का हो, 32 चेस्ट का हो, 34 चेस्ट का हो, 40 चेस्ट का हो, या 44 चेस्ट का हो, या 48 चेस्ट का हो, या 50 चेस्ट का हो, जितना भी आपका चेस्ट का नाप होगा। अब देखिए नए नए सिलने वाले होते हैं, उनको क्या हो जाता है, सिलाई में ज़्यादा पकड़ते हैं और ज़्यादा चला जाता है। जैसे आपको जो एक मार्जिंग रखनी है, आपको सिलाई में आपका कितना जाता है ये आपको पहले देखना है, ये 1/4 इंच हमारा जाता है। अभी यहाँ पे एक सिलाई का एक ही दबाव आप दोगे, सिलाई में एक ही दबाव आप दोगे, आपका ब्लाउज़ कम ज़्यादा नहीं होगा। तो क्या हो जाता है, जितना आपका सिलाई में जाता है। अब देखिए रेगुलर जो सिलने वाले होते हैं उनको सिलाई का काम आता है, उनको आपको 1.5 इंच लेना है, एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेना है। उससे क्या हो जाता है, उनकी सिलाई जो रेगुलर सिलते हैं उनकी सिलाई जो होती है एक्स जैसी आती है, उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं होता है। तो उसकी क्या हो जाती है, सिलाई जो है वो कम ज़्यादा नहीं होती,
तो इसीलिए आपको क्या करना है, जितना भी चेस्ट का नाप होगा उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है, उसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो नए नए सिलने वाले होते हैं उनसे क्या हो जाता है, एक बार सिलते हैं थोड़ा ख़राब आ जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, फिर खोलते हैं उससे ये कपड़ा भी ख़राब हो जाता है, और इसमें जो कपड़ा जो ख़राब हो जाता है इसमें से धागे निकलते हैं, धागे निकलने के बाद फिर हम खोलने के बाद फिर दूसरे साइड में जैसे और 1/4 इंच में लेते हैं और जैसे उसमें दबाव देते हैं यानी कि सिलाई लगाते हैं, तो फिर ये कटोरी का पार्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, ये साइड का पार्ट है ये कम हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा सिलाई में ज़्यादा चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो नए सिलते हैं सिलने वाले हैं उनको क्या करना है, मार्जिन जो है 2 इंच लेना है। क्या एक्स्ट्रा मार्जिन रखोगे थोड़ा सा कम ज़्यादा भी होगा तो आपका ब्लाउज परफेक्ट आएगा, उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं होता है, एकदम एकदम आप फिटिंग के बाद भी आप वन चेस्ट का 1/4 नापोगे ज़्यादा लगेगा आपको, आप थोड़ा सा कट करके फिर उसके ऊपर मार्किंग करके फिर आपको एक्स्ट्रा 1.5 इंच रखना है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जो नए सिलने वाले होते हैं उनको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच लेना है। जो रेगुलर सिलते हैं उनको क्या करना है, जितना आपका नाप है जैसे चेस्ट का नाप हमने नापा, यहाँ पे चेस्ट का 1/4 आया, उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। ये हुई हमारी चेस्ट की बात। अभी यहाँ पे हम शोल्डर का नाप लेंगे। अब शोल्डर का नाप बहुत सिंपल तरीका मैं बताऊँगी शोल्डर के लिए भी। अब देखिए गला जो है 28-30 के लिए गला आपको 1.25 इंच लेना है। जैसे हम ये देखिए, जैसे हम कपड़ा लेते हैं, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको नापना है, ये गले का नाप हमारा 1.25 इंच लेना है। यहाँ पे हमारा ये गला जो निकलता है यहाँ पे आपको 1.25 इंच लेना है, और शोल्डर जो है वो 5 इंच रखना है। ये आपको कितने चेस्ट के लिए करना है, 28 और 30 के लिए, छोटा नाप रहता है इसलिए शोल्डर जो है वो गिरते हैं, तो आपको इसमें गला भी कम लेना है और शोल्डर भी आपको थोड़ा सा कम लेना है। इससे क्या हो जाता है, शोल्डर और गला एकदम फिटिंग में आ जाता है और आपका ब्लाउज भी फिट आता है, फिटिंग आपकी अच्छी आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे 30 साइज से आपको आगे लेना है, 30 साइज से आपको आगे क्या लेना है, जैसे 2.5 इंच पे गला लेना है। ये जो गला मैंने 1.25 इंच पे लिया है तो यहाँ पे आपको हर साइज़ के लिए 2.5 इंच पे गला लेना है। 40 साइज तक आपको 2.5 इंच पे लेना है, 40 के आगे आप 1.75 इंच लेंगे तो भी चलता है। 2.5 इंच पे आपको गले की मार्किंग करनी है, और आगे का जो शोल्डर है आपको समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, ये जो शोल्डर है शोल्डर को नापना है। तो यहाँ पे हमारा सिलाई में थोड़ा सा पाइपिंग में चला जाता है 1/4 इंच, इसीलिए हम आगे लेंगे थोड़ा सा 1/4 इंच, और यहाँ पे हमारा स्लीव्स में जॉइंट हो जाता है इसलिए हम इस साइड में लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर आता है ये आता है आगे के साइड में 3.5 इंच, तो आपको ब्लाउज के ऊपर भी शोल्डर निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2.5 इंच तो आपको बता दिया है कि 2.5 इंच आप 40 तक आप 2.5 इंच लेना है, 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद इसके आगे आपको जो भी आपका शोल्डर निकलेगा उसके आगे आपको रखना है। ये देखिए 3.5 इंच आपको ये शोल्डर लेना है, तो उसके आगे आपको चेस्ट का यहाँ पे 1/4 लेना है और उसके उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। यहाँ पे मैम ब्लाउज के ऊपर शोल्डर आपको देके बताया है, वैसे भी मैंने आपको चार्ट भी अपलोड किया है मेरे चैनल में कि आप उसमें जाके देख सकते हैं कितने चेस्ट के लिए कितना शोल्डर और कैसे लेना है। और यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने गला लिया 2.5 इंच पे रेगुलर गला डालना है, शोल्डर का नाप लेना है, 1/4 इंच इस साइड में छोड़ देना है, 1/4 इंच इस साइड में छोड़ देना है, ये दोनों को काउंट करके जितना हमारा शोल्डर आता है उतना आपको रखना है। ये हुई हमारी शोल्डर के बाद, आगे का जो गला है वो भी मैंने आपको बताया है, जैसे पीछे का गला होता है उसमें भी वैसे ही आपको करना है, जितना आपका गला होगा उसमें आपको 1/2 इंच थोड़ा सा कम लेंगे तो भी चलता है, 1/2 इंच या 1/4 इंच कम लेंगे। जब हम गला पाइपिंग लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ आपको गला कट करना है, उसके बाद आपको पाइपिंग लगानी है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ये जो कटोरी का नाप नहीं निकलता, यहाँ पे हमारा ये कितना लेना है, जब क्रॉस पट्टी जो है, क्रॉस पट्टी आपको 4 इंच और 3 इंच लेनी है, हुक और आई के साइड में हमें 4 इंच लेनी है और फिटिंग के साइड में हमें 3 इंच रखनी है। हर साइज़ के ब्लाउज़ को आपको उसी तरह से रखनी है, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं, सिलाई के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कट करना है और कैसे सिलाई में हमें ये थोड़ा सा
कट करना पड़ता है या थोड़ा सा सिलाई में ज़्यादा लेना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको क्रॉस पट्टी आप थोड़ी सी बड़ी रखनी है, 4 इंच और 3 इंच की। उसके बाद यहाँ पे आपका जो शोल्डर आता है, शोल्डर के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको एक निशान लगाना है क्रॉस पट्टी के ऊपर। क्रॉस पट्टी के ऊपर जितना आप निशान लगाते हैं, तो वैसे ही मैंने आपको कटोरी का पार्ट जो है वो कैसे बढ़ाना है ये मैंने आपको बताया है। जब हम कटोरी का पार्ट जो है इस तरह से निकलता है हमारा, ये देखिए ये कटोरी का जो पार्ट हमारा निकलता है, ये दोनों का हम सेंटर निकालते हैं। सेंटर के नीचे हमें 1.5 इंच लेना पड़ता है। 1.5 इंच लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम टक्स पॉइंट 1.5 इंच का निकालते हैं, और ये इसका जो हाफ होता है, जितना इसका हाफ होता है उतना हम इसके आगे रखते हैं और थोड़ा सिलाई के लिए। तो इस तरह से हमारा ये कटोरी का जो पार्ट होता है यहाँ पर हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके इसमें हम ज्वाइन करते हैं। तो ये कटोरी जो है ये हमारा इस तरह से आता है यहाँ पे। इसे हमें अच्छे से राउंड शेप देना है, और इसे जितना हमारा इस साइड में आता है उतना ही आपको इस साइड में लेना है। इस साइड में ये जो इतना आता है उतना ही आपको इस साइड में लेना है, और यहाँ पे आपको इस तरह से राउंड शेप देना है। तो ये हुई कटोरी की बात। अभी यहाँ पे हमारा शोल्डर आर्मोल कितना लेना है, आर्मोल कितना लेना है, जितनी आपकी लंबाई होगी लंबाई में आपको 1 इंच प्लस करना है। लंबाई में आपको 1 इंच प्लस करने के बाद यहाँ पे आपको क्या हो जाता है, ये जो स्लीव्स हमारी ज्वाइंट हुई है यहाँ तक हमें क्या करना है, जैसे आगे के साइड में हमें 1/4 इंच आगे रखना है, क्योंकि स्लीव्स में ये सिलाई चली जाती है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको हल्का सा छोड़ देना है नीचे के साइड में, यानी कि 1/4 इंच। तो 1/4 इंच आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने पूरी लंबाई ली, इसमें हमने 1 इंच प्लस किया, तो यहाँ पे हमें नीचे के साइड में 1/4 इंच आपको रखना है। जैसे हम 1/4 इंच आया है तो हम 1/4 इंच रखते हैं, और जो आगे का आता है ऊपर के साइड में आता है ये हमारा शोल्डर आर्मोल आता है। यहाँ पर हमारा ये आर्मोल आता है, यह हुआ आर्मोल का। यहाँ पे हम क्रॉस में जो है वो आर्मोल नापते हैं, जो हम गोलाई देते हैं यहाँ पे हम गोलाई देते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम क्रॉस में नापते हैं। जितना हमारा क्रॉस आता है उसमें हमें स्लीव्स के लिए कपड़ा निकालना पड़ता है। जितना हमारा क्रॉस में आर्मोल आता है उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। ये निकलती है बाजू की चौड़ाई, और बाजू की चौड़ाई जितनी आती है उसमें आपको, जैसे जितनी आती है उतनी आपको लेनी है। क्रॉस जो क्रॉस है क्रॉस नापना है, उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना है, उतनी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई निकलती है। यानी कि उसके बाद हमें स्लीव्स की लंबाई लेनी है। अभी लंबाई जो है, लंबाई क्या करना है, जितनी हमारी लंबाई आती है, ये देखिए जितनी हमारी लंबाई आती है इसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। अस्तर वाला होगा तो आप 1/2 इंच लेंगे, 1/4 इंच लेंगे तो भी चलता है, लेकिन नॉर्मल ब्लाउज होगा तो आपको 1.5 इंच लेना है, यानी कि 6 इंच लेना है। अंदर के साइड में हमें पट्टी जो है फोल्ड करने के लिए चली जाती है, और यहाँ पर हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा लंबाई में 1.5 इंच प्लस करना है, और चौड़ाई में 1/2 इंच प्लस करना है। जैसे क्रॉस में नापने के बाद आपको 1/2 इंच प्लस करना है। और ये हुआ ब्लाउज़ का टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट का कैसे हैं, जैसे लंबाई के हिसाब से हमें टक्स लगाना पड़ता है। क्या हो जाता है, मीडियम लंबाई होगी जैसे 13 इंच, 13.5 इंच, 14 इंच तक, तो हम 2.5 इंच पे टक्स पॉइंट लगाएंगे तो भी चलता है। 14 से आगे होगा तो 2.75 इंच लगाना है। 14.5 इंच या 16 इंच होगा लंबाई आपकी, तो यहाँ पे 3 इंच का टक्स पॉइंट लगाना है। क्योंकि ये क्या हो जाता है, लंबाई ज़्यादा होगी आप टक्स पॉइंट कम लगाएंगे तो ये टक्स आपका अच्छे से नहीं आता। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इसे टक्स पॉइंट जो है वो लंबाई के हिसाब से आपको लेना है। और उसके बाद पूरा ब्लाउज सिलना है। सिलने के बाद आपको पाइपिंग लगानी है। पहले आपको गला चेक करना है। चेक करके जैसे हम गला थोड़ा सा कम लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है, आपका गला एकदम परफेक्ट आएगा। तो आपको हल्का सा थोड़ा सा धागे जो होते हैं उसको कट करके फिर आपको पाइपिंग लगानी है। लेकिन जब आपका गला थोड़ा सा कम लिया होता है तो कम होगा तो आपको हल्का सा कट करना है राउंड शेप में, फिर उसको उसके ऊपर आपको पाइपिंग बनानी है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा ब्लाउज़ की जो है दिवाली के लिए, जैसे ब्लाउज़ सिलते हैं तो घर में ही, बाहर जल्दी नहीं मिलते तो घर में ही आप ब्लाउज़ ट्राई कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया है, और कितना कैसे लेना है, और उस पर भी जैसे मेरे चैनल में भी मैंने कटिंग भी अपलोड की है हर चेस्ट की। आपको चाहे तो उसमें चैनल में जाके
देख सकते हैं, या आपको सिलाई भी, सिलाई का भी मैंने, हर सिलाई का मैंने आपको हर पार्ट का मैंने बताया है कि कैसे ज्वाइन करना है और कैसे करना है। वैसे भी मैं इसकी स्टिचिंग भी, मैं आपको इसकी कटिंग भी मैं परफेक्ट आपको करके भी दिखाऊंगी और जो कैसे करना है, और इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा ब्लाउज़, हर साइज़ का ब्लाउज़ आप इसमें अच्छे से नोट करोगे और अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे तो आपको हर साइज़ का ब्लाउज़ की आपको कटिंग आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है लंबाई है, लंबाई में आपको 1 इंच प्लस करना है, चेस्ट में आपको 1.5 इंच प्लस करना है। नए सिलने वाले होते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा, 2-4 बार ऐसे खोलते हैं या पर फिर से सिलते हैं, उसके लिए आपको 2 इंच लेना है, ताकि आपका ब्लाउज़ ख़राब नहीं होगा। जो गला होगा उसमें थोड़ा सा हल्का सा कम लेना है, ताकि आपको ब्लाउज जो है, गला जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, कि जितना आपको चाहिए उतना ही आपको गला आना चाहिए, इसलिए आपको वो ध्यान रखना है। आर्मोल का भी मैंने निकाल दिया है, कैसे निकालना है वो आर्मोल को भी समझाया है, शोल्डर का भी समझाया है कि कैसे शोल्डर निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। हर साइज़ के ब्लाउज़ के लिए क्रॉस पट्टी जो है वो 4 इंच की और 3 इंच की रखनी है। हर साइज़ का जो कटोरी होता है शोल्डर के सामने, जैसे आपको पता नहीं चलता है यहाँ से यहाँ तक 5 इंच लूँ या 6 इंच लूँ, जितना आपका शोल्डर आता है उसके सामने यहाँ तक आपको रखना है, और यह कटोरी का पार्ट जब निकलता है उसके आगे, जैसे हम मैंने आपको बताया है, उसका सेंटर निकाल के नीचे के साइड में 1.5 इंच लेना है, टक्स पॉइंट के लिए 1.5 इंच लेना है, और जो हाफ निकलता है इसके आगे आपको ये रखना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा ब्लाउज़ की कटिंग जो है बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे भी मैं आपको कटिंग भी बताऊंगी और इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि ब्लाउज़ को जैसे जो भी समझ में नहीं आएगा वो मैं आपको फिर से उसके ऊपर वीडियो बना के आपको समझाऊंगी।